सब्सक्राइब करिए धनु की दुनिया यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकॉन दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे। मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनु की दुनिया में। बात करेंगे धनुराशि वाले जातकों का 14 दिसंबर से 20 दिसंबर, 7 दिन, सोमवार से शनिवार, माफ़ करिएगा रविवार तक ये सप्ताह जो है कैसा रहेगा। साप्ताहिक राशिफल के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। बहुत ही बड़ा बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, कहीं आपको लाभ होगा तो कहीं नुकसान होगा, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भाई बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दें। हमारे यूट्यूब चैनल धनु की दुनिया पर मित्रों पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ धनु राशि वाले जातकों के लिए वीडियो मिलती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं आने वाला सप्ताह जो है धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। ये पूरी वीडियो आपके दोस्तों चंद्र राशि पर आधारित है। दोस्तों, इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर धनुराशि के नवम, दशम, एकादश और द्वादश भावों में होने वाला है। दोस्तों, वही शुक्रदेव का भी गोचर आपके द्वादश भावों में होने वाला है। चंद्रमा और शुक्र ग्रह कि इस गोचर से आपकी यह भाव सक्रिय रहेंगे और इन्हीं के अनुसार आपको फलों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा का गोचर आपके नवम भाव में होगा। इस दौरान आपका भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। हालांकि स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या आपको परेशान कर सकती हैं, स्वास्थ्य से खतरा है, इसलिए सावधान रहिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सतर्क रहिए, अन्यथा बहुत भारी नुकसान आपको चुकाना पड़ सकता है। आपका शरीर और मन बेचैन रहेगा और अस्वस्थता का अनुभव करेंगे, आप अस्वस्थ फील करेंगे अपने आप को। इस दौरान आपकी निर्णय शक्ति काफ़ी मजबूत होगी। इस गोचर से ये भी फायदा होगा और आप इस परिस्थिति में सही निर्णय लेकर सफल होने की दशा में आगे बढ़ेंगे। इसके बाद चंद्रमा आपका गोचर जो है आपके नवम भाव से दशम भाव में हो जाएगा। जो लोग नए काम या नई नौकरी करने की आस में बैठे थे उनका भाग्य साथ देने वाला है। दोस्तों, इस राशि के जॉब करने वाले लोगों को का जो मन है कार्य में लगेगा, काम करने में लगेगा और आपको अपने बॉस से, सीनियर से तारीफ मिलेगी, ऐसी संभावनाएं बनती हुई नज़र आ रही हैं। इस राशि के जो व्यापारी हैं, नया व्यापार करने की सोच रहे थे, उनके लिए भी अच्छे रास्ते खुलेंगे। सप्ताह के मध्य भाग में चंद्रमा का गोचर आपके एकादश भाव में हो जाएगा। इस दौरान जो लोग विदेश व्यापार करते हैं उनके कारोबार में सुधार होगा, आपका आर्थिक जीवन मजबूत रहेगा और आपको गुप्त तरीके से धन की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस दौरान आपकी घर वालों से कुछ कहासुनी हो सकती है, इसलिए सावधान रहिए, जिससे मन में उदासी रहेगी। आपके माता जी को जो स्वास्थ्य है कष्ट परेशान कर सकता है, स्वास्थ्य के प्रति उनको विशेष ध्यान रखिए। सप्ताह के इस भाग में जीवन साथी के साथ कुछ गलत फैमिली की वजह से वाद विवाद हो सकता है। सप्ताह के अंतिम भाग में चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। इस दौरान ननिहाल पक्ष से इस राशि के कुछ लोगों को लाभ की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग बीमार थे उनके स्वास्थ्य में भी सप्ताह के अंत में सुधार देखने को मिलेगा। आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान अपने शत्रुओं से सतर्क रहिए और दूर रहने की कोशिश करिए। इस सप्ताह शुक्रदेव का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। इस गोचर से विदेशी कार्य में आपको मुनाफा मिलेगा, आपके प्रेम जीवन में मधुरता आएगी और आप अपने साथी के जो और हैं या करीब जाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। इस दौरान आपके कुछ शत्रुओं से आपकी मित्रता भी हो सकती है। आप जब भी दुविधा की स्थिति में होंगे तो आगे बढ़कर अपने जीवन साथी से सलाह मशवरा अवश्य करिए, कोई रास्ता जरूर निकलेगा, कोई हल जरूर निकलेगा। इससे आपके प्रेम जीवन में भी बदलाव आएगा, मधुरता आएगी, अपनापन बढ़ेगा, मजबूती आएगी। दोस्तों, आप उपाय कर सकते हैं, भगवान विष्णु जी की पूजा करिए, भगवान विष्णु की कृपा जो है अवश्य बनेगी, भक्तों की कृपा जो है सदा बनी रहती है भगवान विष्णु की, इसकी उनकी पूजा अवश्य करिए। शुभ अंक 3.5 है। तो मित्रों, यथा आपका सप्ताह आने वाला धनुराशि वाले जातकों के लिए सप्ताह कैसा रहेगा, इस वीडियो में हम लोगों ने यही जाना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दें। हमारे यूट्यूब चैनल धनु की दुनिया पर मित्रों पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ धनुराशि वाले जातकों के लिए ही वीडियो मिलती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बगल में नोटिफिकेशन बेल बटन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले अगले वीडियो के अपडेट जो हैं सबसे पहले आपको मिले।
तो चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए। आने वाला सप्ताह जो है मंगलमय बीते, शुभ बीते, अच्छा बीते, यही कामना करते हैं। जय श्री राधे, जय भोलेनाथ।